सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। सो ये देखिए, ये कितना पुराना समझता है, तो चलिए इसको डेकोरेट करते हैं। सो फाइनल लुक मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फाइनल लुक है इसका, कितना सैटिस्फाइंग और ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और इसका ट्यूटोरियल देखने के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द लास्ट एंड लेट्स स्टार्ट। अरे ये बबुए ने तो कपड़ा ही नहीं पहना है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉलीथिन ले लिया मैंने, और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पेंसिल बॉक्स, यहाँ पर एक सेलो टेप लो, छोटा या बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीटर्स ट्यूब वाला ले लिया, ऑयल ले लिया पैराशूट ऑयल, एंड देन कोकोनट थव ऑयल एंड वाटर लिया मैंने एंड सीजर। तो सबसे पहले मैंने इसको ये क्या हो गया यार, मैं कुछ और करने वाली थी, चलो सब ठीक हो गया। अब मैं इसको ठीक से लगा देती हूँ, इसमें कटिंग करनी है हमें, एकदम पेंसिल बॉक्स के ही नाप का आपको लेना है जो पॉलीथीन आप ले रहे हो, और थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट पॉलीथीन लेना चाहिए आपको, वैसे वाला नहीं जैसे कि फट जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा हार्ड एंड सॉफ्ट पॉलीथीन लिया है। इसको मैंने फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि पानी निकल आएगा अगर मैं इसमें अभी ग्लिटर्स डालूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से काट लिया है सीजर से, एंड देन मैंने इसमें ग्लिटर डाला है, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लिटर्स तो जल्दी से निकल नहीं गए थे, बल्कि ये न्यू रखे हुए थे, गोल्डन वाला तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, ये लोग बहुत कंजूसी करते हैं। एंड देन रेड वाला तो थोड़ा सा निकला, वो भी लास्ट में, बहुत दिल में दर्द हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट जो था, आई लाइक द सिल्वर वन क्योंकि ये छटाक से निकल आया था, एंड देन ये मिक्स वाला ग्लिटर भी अच्छा ही था। सो इसको हमें फैला देना है, पूरा मिक्स करना है, एंड देन वाटर डालना है। एंड मुझे गाइस पता नहीं था ट्रूली कि ये पानी नीचे से लीक होगा, क्योंकि मैंने कभी ये पॉलीथीन को यूज़ नहीं किया था, सो दैट्स वाई, इसलिए मैंने बाद में टेप कर दिया था, बट मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था कि टेप किया था मैंने। सो फिर कोकोनट ऑयल डालना है आपको, कोकोनट ऑयल इतना डालना है जितना ये मिक्स नहीं होता है जब तक, तो इतना कोकोनट ऑयल डालने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे ग्लिटर्स कैसे करके मिक्स हो रहे हैं, और बहुत सैटिस्फाइंग सा बनेगा ये, जैसे कि आपने शुरुआत में देख लिया है। एंड डोंट स्किप, इफ़ यू आर स्किपिंग माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक। सो यहाँ पर मैंने और वाटर डाल दिया, क्योंकि आपको जितना वाटर चाहिए आप उतना ले सकते हो, बट होना चाहिए तो 25 ml और उससे कम ले सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए रख दिया, क्योंकि ये मिक्स हो नहीं रहा था खैर। तो मैंने इसको अभी चिपकाना है इस बॉक्स के आगे, तो देखते हैं लीक होता है कि नहीं, अब ये प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते रहते हैं, मैं खुद नहीं समझ पाती कि क्यों आते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही थी, यार इतना प्यारा कलर है ये, तो मैं इसलिए नहीं वीडियोज़ बना रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और आज मेरा मन कर दिया अचानक से, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ बना दिया। सो इसको मैंने टेप कर दिया है पेंसिल बॉक्स पे अच्छे से, ताकि ये लीक ना हो। एंड देन अभी जो है, अभी मैं इसको मिक्स भी करूँगी बाद में, आपको जब फाइनल लुक देखने को मिलेगा तो आप एकदम हैरान हो जाओगे, बहुत अच्छा लुक आएगा। सो मैंने इसको टेप कर दिया अच्छे से ताकि ये लीक ना हो। देन आफ्टर दैट मैंने इसको, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस ऐसे ही बोले पड़ी हूँ, ठीक है चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो टेप ही लगाए पड़ी हूँ मैं इतना टेप पेस्ट करती हूँ, मुझे अब पता चल रहा है वीडियो देखने के बाद। ओके, सो इसको मैंने जिग-जैग कर दिया पूरा ग्लिटर्स मिक्स करके, इतना प्यारा ग्लिटर कलर बना गाइस, सो सैटिस्फाइंग एंड क्यूट लुक। मुझे लग रहा था एकदम बेकार सा ग्लिटर कलर बनेगा, बट ये तो एकदम प्यारा सा कलर बन गया, जो कि यू नो क्यूट कलर्स में जो आता है वैसा कलर बन गया, ब्लू में क्यूट कलर्स। सो इसको मैंने पूरा ग्लिटर से डाल करके टेप लगा दिया है, और इसमें कुछ खास मैंने यूज़ नहीं किया, इसमें बस मैंने ग्लिटर और टेप ही की बर्बादी ज़्यादातर की है, तो आप भी ग्लिटर और टेप की बर्बादी ही करना। सो बर्बादी नहीं, मतलब इसको शो ऑफ भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स से देखो मेरा आइडिया कितना अच्छा है। और हाँ, अगर आप इसे बनाते हो तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबको शेयर कर दीजिएगा। और तो फाइनल लुक देखने के बाद आपको कैसा लगा ये कमेंट डाउन करिएगा, एंड देन बाय गाइस, लव यू ऑल एंड सब।